और देखिए ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे का दूसरा दिन आज से है और दो शिफ्ट में होगा ये एएसआई का सर्वे। सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगा ये सर्वे और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगा ये सर्वे। तो दो भागों में सर्वे को बांटा गया है। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे का आज दूसरा दिन है आपको बता दें और दो शिफ्ट में एएसआई के सर्वे को बांट दिया गया है। पहला शिफ्ट अगर आपको बता दें तो 8 बजे सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरा अगर आपको बता दें तो 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक ये सर्वे होगा। आपको बता दें कि वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे पूरा होने में करीब 15 दिन का वक्त लगेगा। शुक्रवार को पहले दिन के सर्वे में सिर्फ पेपर वर्क हुआ है और उम्मीदें की जा रही है कि ये पेपर वर्क अभी 2 दिनों तक और चलेगा। और आज के सर्वे में भी करीब 40 सदस्यीय एएसआई टीम के साथ ही हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग भी मौजूद रहेंगे और आज का पहला सर्वे सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगा जबकि दूसरा सर्वे दोपहर 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक मस्जिद में जो जौहर यानी दोपहर की नमाज होने और लंच ब्रेक के लिए सर्वे रोका जाएगा और दूसरी पाली में दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक ये सर्वे होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे का आज दूसरा दिन है, दो भागों में सर्वे को किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे पूरा होने में करीब 15 दिन का वक्त लगेगा ऐसा माना जा रहा है। साथ ही शुक्रवार को पहले दिन के सर्वे में अभी सिर्फ पेपर वर्क हुआ है और ये उम्मीद की जा रही है कि पेपर वर्क अभी 2 दिनों तक और चलेगा। और आज के सर्वे में करीब 40 सदस्यीय एएसआई टीम के साथ ही हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रही है। तो सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक पहला सर्वे होगा। वीरेश हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। वीरेश, अभी माना जा रहा है कि 15 दिन और लगेंगे, साथ ही अभी 2 दिन तक पेपर वर्क और चल सकता है, क्या कुछ अपडेट है अभी आपके पास? देखिए, कल के सर्वे में हिंदू पक्ष के वकील और वादिनी शामिल हुए थे। आज जो महत्वपूर्ण बात है कि मुस्लिम पक्षकार भी शामिल होंगे। जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनके वकील हैं, ये सारे लोग शामिल होंगे और जो सर्वे है 9 बजे के लगभग शुरू होगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कल का जो सर्वे था उसमें डॉक्यूमेंटेशन किया गया, फोटोग्राफी की गई और वीडियोग्राफी की गई और ये सर्वे 5 बजे तक चला और आज का भी सर्वे 5 बजे तक चलेगा। 2 पाली में इसे किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात है कि मुस्लिम पक्षकार आज तैयार हो गए हैं, शामिल होंगे और हमारी जब अंजुमन जामिया कमेटी के लोगों से बात हो रही थी तो उनका कहना था हम पूरा सहयोग देंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब हमारा पूरा सहयोग रहेगा। तो ऐसे में अब ये उम्मीद की जा रही है कि दोनों पक्ष जब रहेंगे तो सर्वे में तेजी आएगी और एक समान रास्ते पर चलकर ये सर्वे एक नतीजे तक पहुंचे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेश आपका लगातार जानकारी के लिए। देखिए तो सुबह 8 बजे से पहला सर्वे शुरू हो जाएगा, लगातार जो भी अपडेट होगा हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी का। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इसी बीच उसी खबर से जुड़ी, ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष का यू टर्न, सर्वे के बहिष्कार का फैसला वापस लिया और आज से एएसआई के सर्वे में शामिल होगा मुस्लिम पक्ष। ये बड़ी खबर आपको बता रही है, एएसआई को सर्वे में मदद करेगा मस्जिद कमेटी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब एएसआई के सर्वे में शामिल होगा मुस्लिम पक्ष, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।